सास बहू और बेटियां में चलिए आपको मिलवाते आपके चहेते मृणाल से। कैसे हैं आप? हाउ इज यू? फर्स्ट क्लास। सबसे पहले तो 26 जनवरी की सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। जी हाँ, आज रिपब्लिक डे है और साथ ही में आई रियली लाइक योर ग्लेयर्स। थैंक यू सो मच। इट्स येलो। सो व्हेन वी टॉक अबाउट योर लुक, अग्री, बहुत गंदा जोक हो गया ये, बट इट्स ओके। ओके सर, मृणाल कैसे हैं आप और कैसा चल रहा है? आपके क्या प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं? कितना आप मतलब लिटरली पीपल मिसिंग यू ऑन टीवी, कब आ रहे हो वापस? एक्चुअली कहते हैं ना कि कब जब भी जब बम फूटना होता है तो पहले एकदम शांति से उसे ढूंढना जाता है कि कहाँ है वो, और उसके बाद बम फटता है। तो जस्ट लाइक दैट देर आर फ्यू थिंग्स जो कुछ है जो पाइपलाइन में भी नहीं, पाइपलाइन से बाहर निकल चुकी है और शुरुआत हो चुकी है। बस थोड़ा और इंतज़ार कराऊंगा आप सबको। माफ़ी चाहता हूँ सबसे पहले कि करीबन बहुत वक्त हो गया कि मैं टीवी पे नहीं हूं। मृणाल से हम मिल भी काफ़ी दिनों के बाद रहे हैं, बिकॉज हाँ वी शुड से महीनों बाद एक्चुअली। सो मृणाल से बड़ी महीनों बाद मुलाकात हो रही है। सो आई एम श्योर कि ये कुछ अच्छे से प्रोजेक्ट में बिजी हैं, तभी शायद इतने रूबरू नहीं हो पाते हैं। सो कुछ ग्लिम्स आप बता सकते हैं कि इट्स अ फिल्म और अ वेब सीरीज और अ टेलीविजन शो? अगर मैं कहूँ कि दोनों हैं तो ज़्यादा मैं उस प्रोजेक्ट के बारे में रिवील नहीं कर पाऊँगा, लेकिन इतना ही कहूँगा कि मेरे जितने भी दर्शक हैं आज तक के, जितने भी दर्शक हैं और जो भी मेरे चाहते हैं, मेरे वेल विशर्स हैं, मेरे इस कमबैक से बहुत खुश होंगे। और बहुत बहुत मेहनत की है, बहुत सब्र रखा है, तो कहते हैं कि सब्र का फल मीठा हो, और मैं चाहता हूँ कि वैसा ही फल मुझे भी मिले। और मैं आप सबको निराश नहीं करूँगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। बस आपसे ये कहूँगा कि थोड़ा और वक्त दे दीजिए मुझे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा और, मतलब चंद दिनों या चंद महीनों का। वाओ, सो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको थोड़ा सीक्रेट रखें और फिर रिवील करें तो ज़्यादा मज़ा आता है। सीक्रेट तो मैं रख नहीं सकता, क्योंकि मैं जो भी कर रहा हूँ अपने दर्शकों के लिए कर रहा हूँ, और पूरी कोशिश रहेगी कि मैं हमेशा आपको एंटरटेनमेंट दूँ। So, जैसा आपने कहा कि इट कैन बी अ फिल्म आल्सो अलोंग विद अ वेब सीरीज आल्सो, एंड यू नो आई सेड इट कैन बी बोथ। परफेक्ट। सो आपका क्या कहना है, बिकॉज नाउडेज अगर हम आज का सिनेरियो देखें, सो टेलीविजन के साथ साथ देयर आर सो मेनी वेब सीरीज कमिंग, सो मेनी शॉर्ट फिल्म्स आर कमिंग, एंड बहुत अच्छा रिस्पॉन्स उसे मिलता है। सो जिस तरह सिनेरियो चेंज हो रहा है, उसमें मृणाल आप क्या कहेंगे? मैं एक्चुअली बहुत खुश हूँ कि ये सिनेरियो चेंज हो रहा है, और कहते हैं कि हर एक्टर, इनफैक्ट एक्टर की बात नहीं करूँगा, हर इंसान अपने बिजनेस में हो चाहे कहीं भी हो ग्रो करना चाहता है। तो एज एन एक्टर जब आपको चार प्लेटफॉर्म मिलते हैं, एक टीवी है जहाँ पे आपको हर वक्त हर दिन आपको उस लड़ाई से लड़ना होता है, एक फिल्म है जहाँ आपको शुरुआत से लेके अंत तक की कहानी पता होती है और आपको अपना कैरेक्टर निभाना होता है, एक वेब सीरीज़ है, एक शॉर्ट फिल्म है, तो जब इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं तो मेरे ख्याल से एक एक्टर बहुत अच्छे से ग्रो होता है अपने क्राफ्ट में, और उससे अलग अलग तरीके का काम करने मिलता है। और ये जो टैग है, ये जो टीवी एक्टर का टैग, कई बार ना चाहकर भी हम टीवी एक्टर्स पे लग जाता है। कभी ऐसा आपके साथ हुआ है? बिकॉज वी मतलब हमने देखा है व्हेन इट कम्स टू द टेलीविजन, सो जब बॉलीवुड में आप कदम रखने जाते हो तो फर्स्ट यार तुमने तो टीवी किया है, तो दे टेक यू सीरियसली और दे जस्ट टेक यू फॉर ग्रांटेड समटाइम्स बिकॉज यू हैव डन टेलीविजन, समथिंग लाइक दैट एवर हैपेंड? जब तक बच्चा फर्स्ट क्लास से पास नहीं होता है तब तक वो आम भीड़ के बीच में होता है, तो वो परीक्षा से तो हर एक्टर को गुजरना ही पड़ता है। तो कहते हैं ना कि आपका काम सब कुछ कह जाता है, तो आई बिलीव इन द सेम थिंग दैट लेट योर एक्शंस बी लाउडर देन योर वर्ड्स। तो कभी भी निराश मत होइए, ऐसा होता है कि कई बार आपको ये कहा जाता है, कई बार मैंने भी फेस किया कि मुझे कहा जाता है कि यार टीवी किया है, ये किया है, तो मैं ये कहता हूँ सर टीवी किया है तभी आपके सामने खड़ा हो, वही मेरी पहचान है, और फिल्म करना चाहता हो या वेब सीरीज करना चाहता हो तो बस वो करने के लिए एक मौका चाहिए, जैसे टीवी ने मुझे एक मौका दिया, आप भी एक मौका दे दीजिए, सिर्फ एक ऑडिशन या एक लुक टेस्ट या एक अपनी काबिलियत साबित करने का। So I really love the line which he said, let your action says, right? Let your action be louder than your words. Correct. So इसी के साथ में हम बाय बाय नहीं कहेंगे, हम अब थोड़े फन जोन में आते हैं। सो नाउ मृणाल, वी आर गोइंग टू प्ले वन गेम, यू एंड मी, ओके? सो क्योंकि आप एक एक्टर हैं, एक अच्छे आर्टिस्ट हैं, सो क्यों ना आप कुछ इनैक्ट करें, लाइक अ दम शहराज, एंड आई विल गेस व्हाट इज द फिल्म इज। अच्छा, यू विल गेस? आई विल गेस, बट प्लीज हाँ चेंज नहीं करना है कि एंड मोमेंट पे बोल दो ये नहीं था, ये नहीं था। रेडी? ओके, आई एम नॉट अलाउड टू से, आई नीड टू गेस इट।
आई नीड टू गेस इट कि क्या है वो फिल्म. रेडी? ठीक है, तो शुरू करते हैं. आप इनाक कीजिए. एक शब्द है. ओके, एक पूरी फिल्म ही एक शब्द है. धोनी? नहीं. सफाई? दम? दिल? हिंदुस्तान? ओ शिट, बॉर्डर? नहीं, दिल हिंदुस्तान. फिर भी दिल है हिंदुस्तान? नहीं, बट एक ही शब्द है ना, हिंदुस्तान. दिस इज क्रिकेट, दिस इज क्रिकेट. झाड़ू? सफाई? क्रिकेट, दिल, हिंदुस्तान. धोनी? नहीं, ये तो क्रिकेट ही होता है. ये क्या होता है? गोल्फ? इट्स अक्षय कुमार फिल्म. नहीं, हॉकी? हॉकी, हॉकी पे. इट्स अक्षय कुमार फिल्म. इट्स अक्षय कुमार की फिल्म. रन? नहीं. अरे, शाहरुख खान भी है इसमें? यू गॉट इट. एक सेकेंड, इसमें शाहरुख खान, इसमें शाहरुख खान भी है और इसमें अक्षय कुमार भी है. अरे ओके, चक दे इंडिया, चक दे इंडिया, चक दे इंडिया. ओ गॉड, ही इज अ गुड एक्टर, बट आई एम अ बैड गेस, सो आई शुड से. सो अब आपका टर्न है. आई एम गोइंग टू एन एक्टर, यू नीड टू गेस इट. ठीक है, कुछ ऐसा दिया जाए जो थोड़ा सा टफ हो या इजी चाहिए, या टफ, कुछ भी चलेगा. कोशिश तो दोनों में लगेगी. ठीक है, इट्स अ वेरी इजी. तीन वर्ड है? चार. चार वर्ड है. ओके, दिल. फिर भी दिल हिंदुस्तानी. दिल पागल. दिल तो पागल है. आई एम अ गुड एक्टर. ऑलराइट रियल, इट्स नाइस मीटिंग यू. एंड जाते जाते अपने सारे ऑडियंस को, फैंस को क्या कहोगे? मैं अपने सारे दर्शकों से यही कहना चाहता हूँ कि आज तक देखते रहिए, क्योंकि आज तक इन्होंने हमेशा आप तक हमें पहुंचाया है और हमेशा पहुंचाते रहेंगे. और आज तक हम आपसे प्यार करते हैं और कल तक हम प्यार करेंगे और आने वाले हर. आई थिंक रोनाल इज वर्किंग ऑन हर वोकैब सो मच, इज सो गुड इन पोएट्री आल्सो नाउ. सो इट्स नाइस मीटिंग यू नाल, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट. कैमरा पर्सन निकेश के साथ श्रुति बढ़ जाते हैं. मुंबई आज तक.